मिनट इसको स्पॉटलाइट में करता हूँ। भी आप स्पॉटलाइट पे हो। ओके ओके गुड। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। इसमें गुरुदेव कहते हैं हम अकेले में है लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए ऐसा महसूस हो रहा है। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सो मेनी पीपल एंड सो मेनी पीपल आर इन योर माइंड, अपने मन में बहुत सारे लोगों के विचार चल रहे हैं, तो ये अज्ञान है, इग्नोरेंस है। और आप क्राउड में है और क्राउड में होते हुए आपको वननेस अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है, ये भी अज्ञान का लक्षण है। तो इसमें गुरुदेव का एक टॉक में जो बोला है उसमें थोड़ा समय यहाँ पे ऐड कर लूंगा कि हम लोगों को देखते हैं तो देर आर थ्री वेज टू सी द पीपल अराउंड। सबसे पहला है तामसिक तरीका है देखने का, तामसिक नजरिया है लोगों को देखने का। तो ये लोगों को मैं सिर्फ एक सेंस ऑब्जेक्ट है, मुझे दृश्य देखना है या मेरे एंजॉयमेंट के लिए मैं लोगों को देख रहा हूं, तो ये जो देखना है इसको कहते हैं तामसिक दृष्टि। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही बात? यस गुड। और दूसरा तरीका ये है कि राजसिक दृष्टि, राजसिक एंगल से देखना, इन्हें क्या है, ये अलग अलग लोग अलग अलग पर्सनैलिटीज है। मतलब कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ज्यादा स्किलफुल है, कोई व्यक्ति कम स्किलफुल है। हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा मेरे लिए काम कर सकता है, इसके साथ ऐसा डीलिंग करना चाहिए, उसके साथ ऐसा डीलिंग करना चाहिए। सो यू सी ऑल डिफरेंट पीपल एज डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सो ये हियर यू हैव वन मोर स्टेप दैट योर इंटेलेक्ट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पर्सनैलिटीज। इसको कहते हैं राजसिक तरीके से देखना। हाँ कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो आप बोलेंगे इसमें गलत क्या है? हाँ ये गलत इसमें है ही नहीं है, लेकिन इसके साथ जब हम अटैच हो जाते हैं, मान लो कोई कुशल व्यक्ति आपके साथ है तो ही आप मस्त रहते हैं, और कोई अकुशल व्यक्ति आपके ऑफिस में आ जाएगा और आपको तुरंत गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है, तो फिर गड़बड़ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो इस तरह से क्राउड में आप है, बहुत सारे लोगों के साथ है, और आप फिर आपको वहां पे ऐसे दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक है वहां पे आपको क्रेविंग ज्यादा हो जाएगी, और दूसरे है ऐसे लोग वहां पे आपको एवर्जन ज्यादा हो जाएगा, यानी द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। आपके अंदर जो राग और द्वेष पड़े हुए है ये जागृत हो जाएंगे, और वो राग और द्वेष क्या करेंगे, आपको बेचैनी बढ़ा देंगे, आपके अंदर फ्यूरियसनेस को इंक्रीज करेंगे वो, और आपको अशांत करेंगे। इसलिए कई लोगों को लोगों में रहना पसंद नहीं है, वो अपने अकेले में रहते हैं। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट दे कम इन द पीपल इमीडिएटली समथिंग हैपेंस एंड सम पीपल कांट स्टैंड इवन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो या? लेकिन यहाँ पे गुरुदेव ये पॉइंट बना रहे हैं कि तीसरा जो तरीका है राजसी के ने, ये अलग अलग पर्सनैलिटीज है ये देखना, और तीसरा जो है सात्विक वे ऑफ सीइंग द पीपल। सात्विक वे ऑफ सीइंग द पीपल मतलब इसको कहते हैं आत्मा विनिग्रह, मतलब एवरीबडी इज हैविंग द सेम लाइफ फोर्स। आप देखो इन लोगों के साथ आप खड़े हैं तो आप जो हवा सांस ले रहे वही हवा वो भी ले रहे, यस और नो? आप वहां पे पानी रखा है तो आप जो पानी पी रहे वो भी पानी वही पी रहे हैं। आप वहां जगह पे कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ मान लो अगरबत्ती लगाया तो वो जो स्मेल कर रहे वो भी आप भी स्मेल कर रहे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो फिर चाहे वो अलग रिलीजन का हो या अलग इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड का हो या कोई प्रोफेशन का हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई नौकरी करने वाला हो, बट वहां पे एक सूक्ष्म लेवल पे देखेंगे तो एक समानता है वहां पे, एक एक यूनिटी, एक समान लेवल वहां पे एग्जिस्ट होती है।
तो हमारे शरीर में भी देखेंगे तो शरीर अलग अलग दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। भोजन करते तो हर एक का डाइजेशन ही होता है, और कोई प्रक्रिया नहीं होती। इज इट मेकिंग सेंस? यस नो? हाँ, आपके अंदर भी लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है, उनके अंदर भी प्राण शक्ति है। और ये प्राण के पांच मतलब उप प्राणा होते हैं, जैसे व्याना प्राणा, उड़ाना सामना और अपान वायु। तो उनके अंदर भी यही पांच है, उनके अंदर सिक्स प्राणा नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? यस नो? हाँ, आपके अंदर मन है तो उनके अंदर भी मन है, आपके अंदर बुद्धि है तो उनके अंदर भी बुद्धि है। तो इस एंगल से जब देखते हैं तब आपको नजर में आएगा कि सब लोग मेरे जैसे ही है, दे आर ऑल वननेस आपको आएगा। इस दृष्टि से देख के आप वननेस को पा सकते हैं, और वननेस को पाके फिर ये जो बेचैनी होती है उससे आप स्थिर हो जाओगे, आपका मन विचलित नहीं होगा, माइंड विल बी एट रेस्ट। एंड व्हेन माइंड इज एट रेस्ट, आपका मन जब स्थिर हो जाता है तब आपकी विवेक बुद्धि जागृत रहती है। ये पॉइंट को आप लिख के रख सकते हैं। आप घर में, ऑफिस में या कभी भी जब कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तब आपका विवेक बुद्धि काम नहीं करता है। योर इंटेलेक्ट डजंट वर्क, योर डिस्क्रिमिनेशन, योर लॉजिकल पावर डजंट वर्क। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ऑल द सेजेस हैव सेड दैट डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट अटैच टू एनीथिंग, डोंट गेट टेम्प्टेड, बिकॉज ऑल दिस things is temptation, attachment, yeah, anger, all these negative emotions, they blurred our mind. अपने मन को grip करता है, मन को grip करने के बाद मन उसके हावी हो जाता है, तो फिर बुद्धि काम नहीं करता है। समझ में आ रही बुद्धि? हाँ, तो गुरुदेव कई बार टॉक्स में बोले है कि शुद्ध बुद्धि मतलब ये है कि हर व्यक्ति मेरा ही रूप है, इस तरह से देखिए। या इसलिए हम सबसे पहले कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग में कोई एंटर करता है तो सबसे पहले बोलता है आई बिलोंग टू। यस और नो? आप सबने सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया होगा तो उसमें बोलते हैप्पीनेस प्रोग्राम आई बिलोंग टू यू। हाँ, मीन्स देर इज सम थ्रेड या कुछ अंदर ऐसा तत्व है वो हम सबको बाइंड करता है, एंड दैट इज यूनिटी, वो वननेस है। उसको जब हम पकड़ेंगे तब हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं, oneness, the feeling of oneness in a crowd is a sign of wisdom. उसके लिए wisdom की जरूरत है, और इसलिए मयूर भैया ने सब रखा है कि हम alternate day इसके ऊपर चर्चा करें, थोड़ा सा मनन करें और निधि ध्यास करें। थोड़ा सा आप आधे घंटे के लिए ऐसा प्रयोग करके देखिए, आपका मन बहुत फ्री रहेगा। Are you getting this? Yes, no? खास करके अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको लाइफ में और कोई समस्या नहीं, 90% प्रॉब्लम सिर्फ लोगों से है, परिस्थितियों से है और ऑब्जेक्ट से है। यस और नो? बिकॉज ऑल अदर कंफर्ट्स आर अवेलेबल, अच्छा घर है, जॉब है, सब कुछ है, समस्या सिर्फ यही है कि जो लोग है ना उनके साथ नहीं बात बनती है, कहीं पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, और मन में हम जिनको नहीं पसंद करते उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? यस नो? या गुड। हाँ, तो इससे फ्री होना है आपको तो ये पॉइंट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सात्विक वे ऑफ सीइंग द पीपल अराउंड यू। सो फर्स्ट इज तामसिक, सीइंग पीपल जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट। सेकंड इज राजसिक, सीइंग पीपल एज डिफरेंट पर्सनैलिटीज। कुछ लोग कुशल है, स्किल्ड है, कई लोग अकुशल है, तो कुशल के प्रति राग ना हो, अकुशल के प्रति द्वेष ना हो, तब आपके अंदर से राग द्वेष शांत हो जाएगा, तब चित्त हमारा शांत रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस। और तीसरा है सात्विक वे ऑफ सीइंग, दैट इज सीइंग ऑल पीपल एज माय ओन पीपल। ये शुद्ध बुद्धि मतलब सब अपने है, जब अपने रहते हैं तब हम एकदम बिल्कुल शांति से अपना अच्छे से बातचीत करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है। या गुड।